डेफिनेटली राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह साहब राजा साहब ही आएंगे। राजा साहब की खासियत कुछ? राजा साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो भावनात्मक तरीके से सबसे जुड़े हुए हैं, सबके काम करते हैं, और एक राजगढ़ ही नहीं जो जो उनसे जुड़ा है हर व्यक्ति को एक वो परिवार के रूप में उनकी मदद करते हैं और 24/7 खड़े रहते हैं। अगर भावनात्मक रूप से काम करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं विकास कर दिया अपने जिले का? बीजेपी हो या रोडमल नागर जी हो, वो अपनी एक चिट्ठी पे विकास कार्य लिख दे कि मैंने ये किया है। ये बता रहे थे बहुत सारे विकास कार्य, बताइए। जैसे मैं बताता हूँ ना सर, रोडमल नागर जी के विकास कार्य आप देख लीजिए। शिक्षा की जो बात हो रही थी, अभी आपको शिक्षा का मामला बता देता हूँ। आखिरी नंबर पर जिला सर, अभी बता रहा हूँ ना, वो आज से 2-3 साल बाद आप सर्वे में देख लीजिएगा। 10 साल से क्या कर रहे थे महाराज? फिर राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात के लगभग जो है समय क्या हो रहा होगा एक बार देख लेते हैं, 7:46 हो रहे हैं। राजगढ़ के मुख्य चौराहे पर हम खड़े हैं। कुछ लोग चुनाव की चर्चाएं कर रहे थे तो सोचा कि इनसे ऑन कैमरा चुनाव की चर्चा की जाए, जाना जाए राजगढ़ का अंदर का माहौल क्या है। तो ये सब आम जनता है, इन सभी से बातचीत करते हैं। आप तो युवा हैं, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। अब की बार किसकी सरकार लाने वाले हो? ये तो सवाल होता ही नहीं है ना, तो भाजपा आ रही है, वो तो गारंटीड भाजपा आ रही है। किन मुद्दों पर भाजपा आपको अच्छी लगती है? मुद्दे जैसे युवा नीतियाँ होती हैं, उसके बाद आप 2014 से पहले का कार्यकाल कांग्रेस का देखें और या फिर 2014 के बाद आप भाजपा का कार्यकाल देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की बात करें, रेलवे की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एम्स की बात करें, एम्स कितने निर्माण हुए हैं, उसके बाद IIM कितने निर्माण, भाजपा ने कितने एम्स बनवाए अपने देश में? कुल मिला के 15 से ऊपर हैं शायद अभी। कुल मिला के बीजेपी ने बनवाए, एक था कांग्रेस शासन के, एक था उसके बाद। कौन सा था एक? अभी इतना गारंटीड नहीं पता, पर एक था। उसके बाद जो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बने थे, उसके बाद फिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, मतलब पहले के भी आप भाजपा की ही देन बता रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी तो भाजपा की देन हुई ना, वो तो शासन भाजपा का ही था। अच्छा, और आप एक साथ देखिए कि जब पार्टी लड़ती है चुनाव तो लड़ती है बहुमत के लिए। कांग्रेस ने 575 सीटों में से 230 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करे हैं अपने, जो अकेले भाजपा के, उसी कांग्रेस के, उसी जगह भाजपा ने 419 जगह पर उम्मीदवार खड़े करें। बाकी आप किसी पार्टी को देख लीजिए, कोई भी बहुमत के लिए लड़ाई कर ही नहीं रहा, उनका सिर्फ एक मुद्दा है, एक विजन है उन लोगों का बस, कि आप नरेंद्र मोदी को कैसे ना कैसे करके हटाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, राजगढ़ में रोडमल नागर जी खड़े हैं, उनके कुछ काम गिनवा सकते हैं आप? रोडमल नागर जी के काम, जो सांसद का काम होता है, जो लोग जो केंद्र की नीतियाँ होती हैं वो, उनको अपनी लोकसभा क्षेत्र में लाना, तो आप रोड निर्माण देख लीजिए। रोड निर्माण गुना से लेकर ये क्या बोलते हैं, इंदौर से लेकर बॉम्बे जा रहा है, जितने जिले पड़ रहे हैं सब जिले के सांसद क्रेडिट लेंगे उस रोड का। आपको नहीं लगता कि पर्सनल कुछ चीजें भी होती है? क्षेत्र तो रोडमल नागर जी का ही है ना, ये सांसद तो मतलब भले ही वो इंदौर से दिल्ली जा रहा है, रोड राजगढ़ से निकल गया, उसमें सांसद रोडमल नागर क्रेडिट लेंगे, आप ये बोल रहे हैं? क्रेडिट तो आएगा ना, उनको आना चाहिए क्रेडिट, आना चाहिए ना, बिल्कुल 100% 100% बीजेपी जीतेगी यहाँ से, भले बीजेपी जीता दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये क्रेडिट आना चाहिए आपके हिसाब से? आना चाहिए भाई साहब, और दो चार आप बताइए, आना चाहिए क्रेडिट? नहीं आना चाहिए। रोडमल नागर जी की नीतियाँ? रोडमल नागर जी की नीतियाँ, हमारे अभी हॉस्पिटल बहुत बड़ा बन चुका है, उसके बाद में हमारे इससे पहले थे उस टाइम पे हमारा मोहनपुरा डैम बन चुका, उससे लोगों को पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में पानी पहुंच रहा है। उसके बाद में चलो अपन तो इधर मेडिकल कॉलेज आ गया है, वो भी कुछ एक आध साल में, एक दो साल में वो भी शुरू हो ही जाएगा, ऐसे बहुत सारे। ये जितना काम आप गिनवा रहे हो कांग्रेस बोलते हैं हमने करवाए, थी कहाँ पे कांग्रेस उस टाइम पे, तो रोड में नागर जी थे ना, प्रचार प्रसार नहीं कर पाई कांग्रेस उनका, बस वही है क्यों? मतलब ये तो आप मानते हैं? नहीं, वैसे तो आपका कहना भी सही है, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता वर्तमान में तो क्रेडिट उनको जाता, लेकिन अभी रोडमल नागर सांसद थे इसलिए क्रेडिट उनको जाना चाहिए, है ना, कुल मिला के बात है। आप हाँ कुछ कह रहे थे, यहाँ से बीजेपी जीत के जाएगी फुल। कितने वोटों से? वोटों की तो नहीं तुलना कर सकते, लेकिन 2-3 लाख टक्कर हो गई है, कांटे की टक्कर लगती है आपको दिग्विजय सिंह के आने से? टक्कर तो है सर, लेकिन यहाँ से फिर भी बीजेपी लीड लेगी, आपको क्या लगता है? लाडली बहना कमाल करेगी? लाडली बहना भी कमाल करेगी,
भाजपा भी कमाल करेगी, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ भी कमाल करेगी और रोडमल जी के काम भी कमाल करेंगे। रोडमल जी के दो चार काम हमें गिनवा दो। सर मैं एक ग्रामीण परिवार का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा एक बहुत ही पिछड़ा गांव, कलेक्टर साहब ने भी एक बार हमारे निर्मल गांव और गोद वगैरह लिया था। हमारे गाँव में आज से 15 साल पहले तक जो सबसे हाईएस्ट किसान था जिसके यहाँ गेहूँ निकलते थे 40 क्विंटल वाला, बहुत बड़ा किसान मानते थे, 40-50 क्विंटल गेहूँ निकले भैया उनके तो ठीक है। आज हमारे यहाँ सर सबसे आखिरी पंक्ति का जो किसान है वो 100 क्विंटल गेहूँ निकलते हैं और अधिकतम 1000 क्विंटल तक के गेहूँ निकलते हैं, मेरे खुद के 500 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ निकलते हैं। मतलब ये मोहनपुरा और कुंडालिया डैम की जो सौगात है वो रोडमल नागर जी की देन है और वो आपको काम आ रही है। उसके सिवाय में मोहनपुरा कुंडालिया ही नहीं, मोहनपुरा कुंडालिया कुशलपुरा मुंडला सदस्या बे घोघड़ा घाटा पार्वती देसाई ये जितने भी डैम बने हैं उस जिले के किसानों का जो कायाकल्प हुआ है, जो जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जहाँ 10 क्विंटल 20 क्विंटल गेहूँ निकलने वाले किसान अगर 500 क्विंटल गेहूँ निकाल के आज बैठा है, हमारा जीवन स्तर सुधरा है, तो सर ये रोडमल नागर और भाजपा की देन है। हम तो जी जान आँख बंद करके जीवन आजीवन भाजपा को वोट देंगे। किसकी सरकार आने वाली है? सरकार का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह साहब राजा साहब ही आएंगे। राजा साहब की खासियत कुछ? राजा साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो भावनात्मक तरीके से सबसे जुड़े हुए हैं, सबके काम करते हैं और एक राजगढ़ ही नहीं जो जो उनसे जुड़ा है हर व्यक्ति को एक वो परिवार के रूप में उनकी मदद करते हैं और 24/7 खड़े रहते हैं। अगर भावनात्मक रूप से काम करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं विकास कर दिया अपने जिले का? क्या विकास नहीं किया है उनके अलावा किसने विकास किया है राजगढ़ का? आज राजगढ़ में जो है वो उन्हीं का है और बीजेपी हो या रोडमल नागर जी हो वो अपनी एक चिट्ठी पे विकास कार्य लिख दे कि मैंने ये किया है। ये बता रहे थे बहुत सारे विकास कार्य, बताइए जैसे। मैं बताता हूँ ना सर, रोडमल नागर जी के विकास कार्य आप देख लीजिए, शिक्षा की जो बात हो रही थी अभी आपको शिक्षा का मामला बता देता हूँ। आखिरी नंबर पर जिला सर अभी बता रहा हूँ ना, वो आज से 2-3 साल बाद आप सर्वे में देख लीजिएगा। 10 साल से क्या कर रहे थे महाराज? फिर हम आज से 2 साल बाद भी बैठेंगे। रोडमल नागर साहब एक भी किसी भी आप किसी से पूछ लेंगे अगर वो किसी भी गमी में गए हो, किसी के कार्यक्रम में गए हो, किसी के सुख दुख में गए हो, किसी भी गांव में कोई नहीं पहचानते उनको, कुछ भी काम नहीं किया 10 साल में, कुछ भी बिल्कुल 0% है। 0% बता रहे हैं। में राजगढ़ में राजगढ़ जिले में बीजेपी और कांग्रेस बस एक दूसरे की धोने में लग रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है। स्वास्थ्य के मामले में हालत खराब है, राजगढ़ हॉस्पिटल में कोई नर्स नहीं है, इन जैसे युवाओं को नहीं दिखाई देता, अब जवाब दीजिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है अभी, कुछ ये स्वास्थ्य सुविधाएं सर कुछ समस्याएं हुई थी, कुछ डॉक्टर्स ने फर्जीवाड़ा किया था, आज इसे महीने भर पहले सूचना लगी थी, नहीं हुआ है सर, दो लोगों पे कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। जिसने पैसा दे दिया वो ऐसे घूम रहे और जो गरीब है उसको सस्पेंड किया जाता है। कर सकते हैं सर, सुबह जाके आप है ना वहाँ पे आप आईटीआई लगाइए, सुबह जाके सिविल सर्जन से आप जानकारी लीजिए हुए या नहीं है या कार्यरत है या नहीं है, वो तो डॉक्टर्स दिख जाते हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी इनका आप आने से पहले इनका एक कहना था कि दिग्विजय सिंह के राज में चिमनियाँ जलाई है राजगढ़ के लोगों ने, चिमनी आपने भी जलाई होगी? नहीं ये तो सब आपने भी जलाई होगी भाई साहब। सर वो समय अलग था। नहीं नहीं मैं बता अलग आप बोलिए, उस टाइम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन्वॉल्व था और जैसे ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस टाइम से ये सब चीजें प्रॉब्लम आई, ये सब प्रॉब्लम आई। उसके बाद पंचायती राज राजा साहब लाए, मध्य भोपाल में NLIU कॉलेज है, ऑल इंडिया में टॉप 3rd नंबर है लॉ कॉलेज, वो राजा साहब लाए। अच्छा जब दो भाई अलग अलग होते हैं तो थोड़ा जुड़ने में समय तो लगता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए थे, भाई साहब बोल रहे थे इस वजह से थोड़ा विकास में देरी हो गई। सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब अलग हुए सन 2000-2001 में, ठीक, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री कब बने? उससे 6 वर्ष पहले से दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। शिवराज जी जब पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने सन 2003-4-5 में, उस जमाने में आप देखिएगा एकदम से विकास की बहार आई। ठीक साहब कितना कर्जा छोड़ गए थे और आज मध्य प्रदेश में कितना कर्जा है ये बताएगा कोई? बिल्कुल बताऊंगा ना सर, विकास कितना हुआ है? 4 लाख करोड़ का कर्ज। सर भोपाल जाते थे आप उस जमाने में? भाई साहब से भी पूछिएगा। कर्जा लेकर घर बनाइएगा? नहीं कर्जा लेकर घर नहीं सर, लेकिन सुविधाएं पब्लिक को आ रही है ना, कर्जा लेकर घर बनाइए। कर्जा हम नहीं देंगे, कर्जा गवर्नमेंट देगी। कर्जा हम दे रहे हैं सर, ये जो माइक की टोपी ये देख रहे हैं ना इस पर GST लगी है, ये मत भूलिए आप। मैं आपकी बात मानता हूँ, परंतु ये रोड बन रहे हमें सुविधा, यहाँ लाइट है परमानेंट। लोग ज्यादा है राजगढ़ में,
एक दूसरे की धोने वाले ज्यादा है, ईमानदारी बात नहीं करते हैं। यहाँ शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छा काम नहीं करते हैं और एक दूसरे की धोने में लग रहे हैं। कांग्रेस में भी यही है, बीजेपी में भी यही है। अच्छा विकास नोटा तो दबाओगे तुम, नोटा दबाने की स्थिति बन रही है राजगढ़ में, और कोशिश करेंगे अगर कैंडिडेट सही नहीं रहेंगे तो नए जितना भी युवा है सब नोटा ही दबाएंगे, सब नोटा ही दबाएंगे। मजबूरी बनेगी या धीरे धीरे मजबूरी बनेगी। कांग्रेस को आप मान नहीं रहे हो, बीजेपी को मान नहीं रहे हो आप, फिर कहाँ जाएगी पब्लिक, क्या करेगी? 15 कैंडिडेट है, कोई भी चुन लेना। आदमी सही तो होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते हैं, काम करने वाला उम्मीदवार सही होना चाहिए। ये सोच आपके जैसी नहीं होती ना भाई साहब, ने तो कभी का सुधर जाता जमाना। देखिए भाई साहब, चापलूस लोग ज्यादा है राजगढ़ में, एक दूसरे की धोने वाले ज्यादा है। एक चीज और देखिए, रोडमल नागर साहब और दिग्विजय सिंह साहब दोनों व्यक्ति किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? दिग्विजय सिंह साहब मांग रहे हैं अपने किए हुए कामों पे, और अपने किए हुए कामों पे वोट मांग रहे हो। रोडमल नागर साहब किसके नाम पे मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे। वो कह रहे हैं कि भाजपा का निशान देखो, मुझे मत देखो, मोदी जी को देखो, मुझे मत देखो। ये हिम्मत क्यों नहीं होता है रोडमल जी में कि खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? खुद के चेहरे पे तो चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, पेनरों में उनका चेहरा है। कमल का फूल बोलते हैं वो खुद तो उसके, तो भैया मोदी जी ने बोला है कि तीसरे टर्म में मेरे को 400 प्लस चाहिए, तो मैं उन चीजों को करूंगा। मेट्रो के विकास करूंगा, रेलवे का विकास करूंगा, हेल्थ में विकास करूंगा, रोडों का विकास करूंगा। तो हमारा ठीक है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है? भाजपा 100% कितने वोटों से? 401% 400 पार आएगी। क्या काम अच्छे लगते हैं भाजपा के? भाजपा में सर सुविधा है, मतलब पूरी सुविधा है, मतलब बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। नल जल योजना है, और रोड सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सारी सुविधा मिल रही है। रोडमल नागर जी बढ़िया लगते हैं? नहीं, ठीक लगते हैं। मोदी जी बढ़िया लगते हैं, मोदी जी बढ़िया लगते हैं। नागर जी कोई अच्छे नहीं है, पर मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, आदमी में ईमानदारी है। नागर साहब, आज कल के जो लोग कह रहे हैं कि रोडमल जी ने क्या किया है ना, नहीं पूछा था, नहीं बता पाए। अधिकतर सारे रिपोर्टर देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, गांव वाले अधिकतर बोल रहे हैं कि रोडमल जी ने क्या किया। क्यों नहीं पूछेंगे? सांसद थे 10 साल से, पूछना हमारा अधिकार है। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, ग्रामीण वालों से, कि जो जैसे भाई साहब है, एक बात बता रहा हूँ है ना, इनका नाना को मांडो आयो तो टैंकर का पैसा नहीं लगा गई। सांसद निधि से जो टैंकर आया नहीं, उसे खड़ा करेगा और पावना है पानी पिलाएगा। वो फिर पूछते हैं कि सांसद कितनी पंचायतों में टैंकर दिया गया ना, टैंकर कितनी पंचायतों में दे दिया, कितनी पंचायतों में दिए, समथिंग सभी पंचायतों में दिए। यात्री प्रतीक्षालय बनी है, हर जगह बनी हुई है। दिग्विजय सिंह साहब, राज साहब पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहला पंचायती राज लाए मध्य प्रदेश में, और उससे लोगों को कितनी नौकरी, कितने सचिव, कितनी शिक्षा, कितना क्या मिला, वो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ। पंचायती राज गलत था कि सही था? दिग्विजय सिंह जी पहले दूसरे उन लोगों में से भी थे। दिग्विजय सिंह जी हर उस पहले दूसरे व्यक्तियों में भी अग्रणी लाइन में खड़े थे, जिन लोगों ने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अब सेना का सैनिक बंदूक लेके दुश्मन को मारने जाएगा तो उससे पहले क्या करेगा? भैया कैमरा देना, मैं तेरा फोटो खींच लूं, फिर गोली मारूंगा तेरे को, ठीक है? सेना का सैनिक ये करने बैठेगा, बंदूक लेके वो अपने जान पे खेल के दूसरे की बॉर्डर में जाएगा, ठीक है, को मारेगा, वो कैमरे से फोटो भी खींच के लाएगा। ये दिग्विजय सिंह जी, चलो बिल्कुल, अब मैं ये दिग्विजय सिंह जी का न्याय है ना, मोदी जी का ये न्याय है कि मोदी जी के होते हुए 40 जवानों के शव आए थे अपने घर पर, कोई जवाब है? 300 किलो RDX आया कहाँ से था, इस बात का जवाब है सरकार के पास? दे दीजिए हो तो। सर मैं बताता हूँ ना, मुंबई बम धमाके कहाँ से आया था 300 किलो RDX, ये बताइए। उस जमाने में अभी तक नहीं पता चला, तब पता ही नहीं चला भाई साहब। आप सेना की बात कर रहे हैं, उन जवानों को न्याय कब मिलेगा ये बात करिए, कब न्याय मिलेगा? सर्जिकल स्ट्राइक न्याय है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक न्याय है क्या, ये बताइए आप, ये बताइए। सर्जिकल वो 300 किलो RDX जो है, 300 किलो RDX का हिसाब किताब क्यों नहीं दे पा रही सरकार? जब 250-300 आतंकवादियों को उसके बदले में उनके घर में घुस के मारा है सर, ये उन सैनिकों को 300 किलो RDX पर जवाब नहीं है आपके पास ना सर। RDX का RDX वहीं से आया जहां से मुंबई बम धमाकों में RDX पहुंचा था, जहां से देश के अन्य हिस्सों में जहां जगह। मोदी जी ये दावा क्यों करते हैं कि देश में टेररिस्ट नहीं घुसते? मोदी जी ये दावा क्यों करते हैं?
ट्रेन में बस स्टैंड पे लिखा होता हर जगह, एक मिनट बस स्टैंड पे ट्रेनों में लिखा हुआ था कि किसी अनजान सामान को छूना मत, बम हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। आज आपने लिखा देखा कहीं पे? आज आप पूरा मध्य प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं भाई साहब। आपका चैनल है ना राजगढ़ का सबसे बड़ा चैनल है, आप पूरे राजगढ़ जिले में कहीं लिखा आप देखना कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि आप अनजान वस्तुओं को ना छुए, धमाका हो सकता है साहब। वो है ना धमाके हुए मोदी जी के राज में, हुए देश के राज में हुए, अब नहीं हो रहे साहब। अब उरी अटैक हुआ, मैं बताता हूँ 10 साल में हमले हुए, उरी अटैक हुआ, 40 जवानों के शव आए। कब हुआ? मोदी जी के राज में हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे क्या अंधभक्ति है आप लोगों की, कम से कम सही को तो स्वीकार करो। नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। अरे एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, उरी अटैक नहीं हुआ। हुआ वो कांग्रेस वाले करवाते है, हद कर दो आप लोग। अंधभक्ति की कोई सीमा होती है भाई साहब? यार मतलब कांग्रेस ने हमले करवाए, हद कर रहे हो यार। जिस कांग्रेस ने अपने घर के सदस्यों को खोया है, उस कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जवानों के शव कांग्रेस की वजह से आए। तो कांग्रेस आज में भी होता था बम धमाके, ये बोलो, ये स्वीकार्यता चलेगी? ये तो होता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद में कितना कंट्रोल हुआ। ये आपकी बात में अब दम है। बात करें तो विकास की बात करें, मेरी 30 साल की एज है, मेरे दादाजी मेरे पिताजी उन्होंने विकास नहीं देखा। जब मैं जब स्कूल जाता था उस समय रोड नहीं थे, खेतों में इतने पानी में बहते पानी में स्कूल जाना पड़ता था। और आज देखो आप, छोटे से छोटे गांव में जो स्कूल है उसमें उसकी जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, लाइट है, बिजली है, नल है, शौचालय है, उस समय ये मुद्दों पर बात करो ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस सरकार में क्या हुआ है? हुआ क्या? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, राज साहब की एक छवि पे और जरा बीजेपी किसी तरह से उनसे जीत नहीं पाती है तो उनको हिंदू मुस्लिम और ये सब भड़काने का वो आरोप लगाती है। मैं आपसे या सब बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि राजा साहब से बड़ा सनातनी कौन है? 3.5 मैंने नहीं बोला, मैंने इंटरफेयर नहीं किया। राजा साहब से बड़ा सनातनी कौन हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा अकेले मतलब पैदल की? बीजेपी में देश का कौन सा ऐसा नेता है कि जिसने की हो या करने की हिम्मत हो? ऐसा कौन नेता है? बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके पास समय नहीं है पदयात्रा करने के लिए, समय नहीं है पदयात्रा, लोगों से मिलने का भी नहीं है समय। लोगों से मिलते हैं ना, कब मिलते हैं? कार्यकर्ता तो भाजपा में है, कांग्रेस खींच के ला रहे हो महाराज। सर भाई साहब ने बोला हम हिंदू मुस्लिम पे वोट लेते हैं, ठीक है, हमें गर्व है, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। पहले सिर्फ ये मुस्लिम करते थे, हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं साहब। इन्होंने तो सिर्फ मुस्लिम कर रखा था, क्या कहें इनके जमाने में, तो होता हूँ मैं भी हिंदू, लेकिन सीता माता को क्यों छोड़ देते हैं ये बताइए ना। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है, अरे आप पढ़िए साहब, माता को क्यों छोड़ देते हैं भाई? श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है, श्री उसमें सीता माता का नाम बोलते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी राम को लाई है, राम पूरी दुनिया को लाए हैं, राम पूरी दुनिया को लाए हैं, बीजेपी राम को लाई है। सबूत मांगा था सोनिया गांधी ने, सबूत मांगा था, राम मांगा था, राम मंदिर का काम चला जब मांगा, कहां पर मांगा था? मांगा कागज मांगा, कहां मांगा था? हमको कोर्ट में मांगा था कि बस स्टैंड पे मांगा था, कहां मांगा था? कोर्ट में मांगा था। मैं तारीख सहित बता रहा हूँ ना, December 2006 जब है ना राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राम सेतु को तोड़ने के लिए जब है ना प्रयास किया था उस जमाने में, तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, कांग्रेस ने कहा था December 2006 आपको डेट दे रहा हूँ, तारीख दे रहा हूँ, आपको न्यूज की कटिंग दे दूंगा। बाकायदा हलफनामे में कहा था कि ये ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से, राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है, राम के कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं। महाराज गेट किसने खुलवाए थे, ताले किसने खुलवाए थे, ये भी बता दीजिए जनता को, बता दीजिए। मैं बता दूं राजीव गांधी का नाम बता दूं। राजीव गांधी का नाम जल्दी बोलिए, देर मत लगाइए। वहाँ के जय नारायण व्यास थे, वहाँ के जिला कोर्ट के जो है ना, वहाँ का फैजाबाद का जिला कोर्ट था, उसके आदेश से है ना वहाँ गेट, राम मंदिर मोदी जी के आदेश पर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं बना आपके अकॉर्डिंग, और वो फैजाबाद कोर्ट ने ताले खुलवाए थे, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाए थे। अरे गजब पढ़ाया जाता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, कटिंग दिखा सकता हूँ सर। ये बिल्कुल गंध भक्ति है हमारे राजगढ़ जिले में। यहाँ पर ये रोड देख लीजिए आप,
इसी से एसपी निकलता है, इसी से कलेक्टर निकलता है, लेकिन जो रोड है, जो उनकी साइट है, उस रोड से नहीं आता है। कलेक्टर साहब भी उस रोड से नहीं आता है, जिस रोंग साइड से निकलते हैं कलेक्टर साहब भी, एसपी साहब भी, मतलब रोंग साइड से जाते हैं। ऐसा रोड की हालत हो गई यहाँ पर, देखिए आप। रोडमल जी ने नहीं बनाया, बीजेपी के नेता ने बनाया है। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ के ठेकेदार भ्रष्टाचार हो चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार कि यहाँ पे जैसे कि 12 का सरिया देना है तो उसमें 10 का सरिया लगाएंगे, 20 का लगाना है तो 16 का लगाते। यहाँ के ठेकेदारी और यहाँ पर सभी लोग इतने भ्रष्ट है कि जैसे कि कोई भी काम कर रहा है अच्छे से तो उसको टिकने नहीं देगा यहाँ पर। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी नहीं टिकने, बिल्कुल सो गया था मैं। ये सारी चीजें चलती रहेगी। ये राजनीति अनंत सागर है भैया। 20-25 मिनट का वीडियो हो गया है। हमारे राजगढ़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, आज से 1-1.5 महीने पहले कालम भर चुके हैं, लेकिन आप पत्थर से मारोगे टूट जाएगा। इतना रिश्वत वहीं रहता हूँ, मेरे साथ चलो। इतना भव्य और इतना पैसा भाई साहब, देख लेना सवेरे। चलो ये सारी चीजें जाहिर है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।